भाई ये वाला पीसी बिल्ड, ये वाला पीसी बिल्ड। तो ये रही भाई एनटेक की कैबिनेट, आप ही लोगों की डिमांड पे लेके आया। कितनी प्यारी ये कैबिनेट लग रही है भाई, बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। उंगली बच गई भाई, बहुत तेज चल रहे हैं फैन। तो भाई मतलब आप कैबिनेट ले रहे हो ना, फैन से याद आया आरपीएम स्पीड बहुत सही होनी चाहिए। तो जितनी आपकी आरपीएम स्पीड फास्ट होगी उतना आपका एयर फ्लो अच्छा रहेगा कैबिनेट में। कोई भी कैबिनेट लो उसकी आरपीएम स्पीड देख लो, कोई भी लिक्विड कूलर लो उसका आरपीएम स्पीड देख लो, तो एक अच्छा कॉम्पोनेंट आप ले पाओगे। तो अभी हम सभी कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो इसमें हमने प्रोसेसर यूज किया है, राइजन 5 9000 सीरीज का 9600X प्रोसेसर यूज किया है। 6 कोर 12 थ्रेड के साथ में आता है। इसमें आपको कैचे है L2 6 MB मिल जाती है, L3 32 MB मिल जाती है, और इसकी TDP भाई 65 वोल्ट हो चुकी है। मतलब बहुत कम TDP कर दी है, तो मतलब कम पावर में ज्यादा परफॉर्मेंस आपको ये देने वाला है। नेक्स्ट जो पार्ट होता है आपके पीसी का सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, मदरबोर्ड, क्योंकि जितने भी कंपोनेंट्स है आपके मदरबोर्ड के अंदर लगते हैं। तो मदरबोर्ड इसमें हमने यूज किया है एसरो का X870। ये देख सकते हो आपका X870 Pro RS Wi-Fi। तो भाई Asrock के जो प्रोडक्ट होते हैं भाई मेरे को सीरियसली काफी ज्यादा पसंद है। पीसी के अंदर आपके तीन कंपोनेंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं, जिसमें आपकी 60-70% अमाउंट चली जाती है, प्रोसेसर, मदरबोर्ड एंड ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड इसमें हमने यूज किया है Asrock की ही तरफ से आने वाला, क्योंकि Asrock के भाई प्राइस टू परफॉर्मेंस काफी ज्यादा सही है। मतलब प्राइस के हिसाब से जो परफॉर्मेंस ये देते हैं वो बजट फ्रेंडली, इनके ग्राफिक कार्ड या मदरबोर्ड है वो आ जाते हैं, वो सर्विस वगैरह भी काफी सही है। तो इसमें हमने Asrock का स्टील एजेंट देख सकते हो RX 7600 ग्राफिक कार्ड यूज किया है, 8GB ग्राफिक कार्ड ये आता है, काफी सही ग्राफिक कार्ड है, OC वेरिएंट। नेक्स्ट भाई आपका लिक्विड कूलर आप कोई भी सिलेक्ट करो, काफी देख के सिलेक्ट करो, क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है 9000 सीरीज का प्रोसेसर है, लेटेस्ट प्रोसेसर है, AM5 सॉकेट पे बेस है, तो काफी ज्यादा ये हीट होने वाला है। तो इसको ठंडा करने के लिए काफी अच्छा एक लिक्विड कूलर आपको डालना पड़ेगा। एनटेक की तरफ से आने वाला सिंपनी 360 ARGB लिक्विड कूलर यूज किया है, काफी जबरदस्त लिक्विड कूलर है। कभी भी लिक्विड कूलर लो, कैबिनेट लो, उसकी आरपीएम स्पीड देख लो। नेक्स्ट रैम इसमें हमने यूज किया किंगस्टन की तरफ से आने वाली 16x2 32GB 6000 MHz की रैम यूज की है। SSD किंगस्टन की तरफ से आने वाली 2TB 6000 MBPS की स्पीड के साथ में आती है। 2TB Gen 4 SSD है। तो कभी भी आप RAM और SSD लो तो RAM में आप अपनी स्पीड और लेटेंसी चेक कर लो, और जो आपकी SSD है उसमें आपकी कितनी स्पीड है वो चेक कर लो, कितने 1000 MBPS की स्पीड आपको उसमें मिल रही है। तो अभी हम बात करते हैं पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई को बहुत लोग हल्के में ले लेते हैं, कोई भी PC बिल्ड करता है भाई कोई भी मतलब नॉन सर्टिफाइड पावर सप्लाई डाल लेते हैं, पर नहीं डालनी चाहिए। अगर आप अराउंड 1 लाख के आसपास का पीसी बिल्ड करा रहे हैं तो मिनिमम आपको गोल्ड पावर सप्लाई पे तो जाना ही चाहिए। तो इसमें हमने एनटेक की तरफ से आने वाली G750W पावर सप्लाई यूज किया, गोल्ड पावर सप्लाई है, 5 ईयर वारंटी के साथ में आती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, 5 साल तो दबा के चलाओ भाई। तो ये पावर सप्लाई यूज की है, काफी अच्छी पावर सप्लाई है। कोई नहीं चलो मत डालना रे। नेक्स्ट कैबिनेट, मेन इंपोर्टेंट आपका कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट्स है आपके कैबिनेट के अंदर जाते हैं, और कैबिनेट को लोग बाग हल्के में ले लेते हैं, पर हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये स्टार्ट हो गया पीछे दो पर ये हमें हल्के में ले दिया था भाई, ऐसे बंद हो तो क्या होता है, अरे स्लीप पे ही चला गया भाई वो। नेक्स्ट कैबिनेट, कैबिनेट में ही आपके जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं पीसी के इसी के अंदर जाते हैं भाई। तो हमेशा सोच समझ के कैबिनेट लो, एयर फ्लो अच्छा होना चाहिए, दिखने में भी अच्छी होनी चाहिए, अगर आपको लुक मैटर करता है तो। मेन आपको परफॉर्मेंस देख के लेनी है उसका एयर फ्लो कैसा है। अगर आपका एयर फ्लो अच्छा नहीं होगा तो आपके पीसी की परफॉर्मेंस पे थोड़ा डिफरेंस आता है, मतलब थोड़ा फर्क पड़ता है। तो हमेशा आरपीएम स्पीड देख लो फैन की कितनी है, एयर फ्लो कैसा है कैबिनेट का, तब लो। तो ये है एनटेक की C3 कैबिनेट, भाई काफी जबरदस्त लगती है, मेरी फेवरेट सीरीज है C3 एंड C8 एनटेक की, काफी प्राइम कैबिनेट है और काफी अच्छी लगती है मेरे को। तो अभी मुद्दे की बात करते हैं भाई। तो आपको भी अगर कराना है पीसी बिल्ड, अपना ड्रीम पीसी बिल्ड, तो आप विजिट कर सकते हो हमारी ऑफलाइन स्टोर रिक्स ऑफ इंडिया को, या ऑनलाइन स्टोर RicksOfIndia.com को। तो अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है कॉम्पोनेंट से रिलेटेड, या लेने से रिलेटेड, प्राइजिंग से रिलेटेड, कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो आप भाई गाइडेंस ले सकते हो। गाइडेंस का कोई भी चार्ज नहीं है, पीसी लो या ना लो गाइडेंस फ्री में मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब सबर कराए सर।